हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। माय नेम इज अपूर। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश हिंदी दोनों के। लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इंग्लिश में लिंक एंड हिंदी में लिंक। ठीक है, दो सेम वीडियो का एनालिसिस दो डिफरेंट ऑडियोज में आप लोग मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए अभी के अभी, और जो पहली लिंक दी गई है उसको फॉलो कर लो अगर नहीं करा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो क्लिक ऑन इट एंड बी द पार्ट ऑफ माई फ्री टेलीग्राम, जहाँ पे कोई भी कॉल्स या फिर टिप्स या फिर इस तरीके की सर्विसेस नहीं मिलती। ओरिजिनल एंड द ओनली कंटेंट। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है? एंड 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। कितने लाइक्स का? 100, 100 लाइक्स का टारगेट। चलो गाइस, पहले वीडियो वॉच कर लेना जो भी लोग नए हो, उसके बाद अपना माइंडसेट क्लियर करना, क्रिएट करना, ठीक है? एंड ओल्ड मेंबर्स जितने भी है, हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। दो स्टॉक्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पहला स्टॉक है गिलैंडर्स, तो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है आज का वीडियो। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड गाइस, ठीक है? सो प्राइस एक्शन, पैटर्न ट्रेडिंग, वॉल्यूम एनालिसिस, ये सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं इस स्टॉक के बारे में किस तरीके से सोच रहा हूँ। वन साइड मूवमेंट मिला है, ठीक है, मिल गया। उसके बाद स्टॉक आया, एक लो हिट करता है, परफेक्ट। स्टॉक ऊपर गया, नहीं निकल पाया, लो हिट करता है, ठीक है। क्या ये लो सेम है या हायर है? हायर है थोड़ा सा, ठीक है, मान लिया। बढ़िया बात है, अच्छी बात है, स्टॉक के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। स्टॉक ने प्रीवियस हाई ब्रेक करा, बहुत बढ़िया बात है। क्या ये ब्रेकआउट हो गया? मेरे हिसाब से नहीं हुआ, मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं हुआ। स्टॉक ने एक हायर लो बनाया, बहुत बढ़िया बात है। एक और हाई बना दिया स्टॉक ने, तब तक स्लाइटली हायर हाई बना दिया यहाँ पे, इस तरीके से बोल सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये क्रिएट करा स्टॉक ने, और उसके बाद स्टॉक जो है वापस गिर गया, पीछे के सारे लोस ब्रेक हो गए। बट क्या ये वाला लो ब्रेक हुआ जो हमारा मेन लो था, फर्स्ट लो था? नहीं हुआ ब्रेक, बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि हमारा अभी भी प्राइस एक्शन इंटैक्ट है, भले ही शॉर्ट टर्म में ये ब्रेक हो गया फिर ये ब्रेक हो गया, बट एक बचा हुआ है। ये भी ब्रेक हो जाता, डाउन ट्रेंडिंग तो नहीं बोल सकते, बट एक मीडियम टर्म लेवल पे डाउन ट्रेंड एक बिगर कंसोलिडेशन के लिए चालू हो चुका है, राइट। स्टॉक जाता है, अब इतने बड़े फॉल के बाद अचानक से वी शेप रिकवरी बहुत रेयर होती है, तो स्टॉक ने क्या करी, धीमे धीमे कंसोलिडेट करा, बहुत धीमे धीमे कंसोलिडेट करा, और यहाँ पे हिट करा लेवल, रिजेक्शन खाया एंड अब ऊपर निकल रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? ऊपर निकल रहा है यहाँ से, इस तरीके से, ये है रिजेक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ जिससे बढ़िया तरीके से प्राइस एक्शन दिखे, ऐसे करके ऊपर निकल रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ से ये स्पाइक फाइनली आया है स्टॉक में, जब मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ तो इसको ब्रेकआउट दे रहा है। चलो अब बात करते हैं स्टॉक पे आके क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्कशन। ये काउंटर ट्रेंड लाइन इससे ज्वाइन होते हुए, इससे ज्वाइन होते हुए क्या हुआ यहाँ पे पिछले 3-4 दिन में? आज तो मार्केट में फॉल आया लास्ट में, तो उसकी वजह से हर स्टॉक में आपको सेल ऑफ दिखेगा थोड़ा थोड़ा, एंड उसका शिकार ये स्टॉक भी हुआ। वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया हैं, क्लोजिंग दे चुका है। आई थिंक कि ये जो है फुलफिलिंग बार है, मतलब क्या होता है कभी कभार विक बन के बॉडी बन, मतलब बॉडी बन रही है, विक आ गई, नेक्स्ट डे वो विक फिल होती है सबसे पहले, ठीक है। तो दिस कैन बी द पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ने कंफ्यूजन 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 सारे कंफ्यूजन को ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे एटलीस्ट एक बॉडी क्लोजिंग दे दी है इसके ऊपर। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बढ़िया मेंटेन हो चुका है, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रेड, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज ब्रिलियंट, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टाइप। अब स्टॉप लॉस टारगेट क्या क्या रखने हैं, इसको यहाँ रखना है, इसके नीचे रखना है, क्या रखना है, आप लोग अपने हिसाब से सोच सकते हो। मैंने आपके सामने अपना ट्रेड आइडिया रख दिया, डू नॉट कॉपी दिस ट्रेड आइडिया एट ऑल। इसका डिस्कशन कहाँ पे होगा? टेलीग्राम पे होगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जाके। टारगेट है 7,200 सब्सक्राइबर्स का, तो पार्ट नहीं हो तो बन जाओ अभी के अभी। चलो दूसरा स्टॉक है जय श्री टी, ये वीकली टाइम फ्रेम का है। पहले प्राइस एक्शन का डिस्कशन करते हैं। स्टॉक गया ऊपर, ओके, उसके बाद कंसोलिडेशन देता है, बढ़िया बात है, हायर हाई जो भी किसी ने ट्रेड लिया होगा अगर यहाँ पे, बढ़िया पैसे बनाए होंगे। उसके बाद वन साइड मूव, ठीक है। तो इस कंसोलिडेशन का जब ब्रेकआउट हुआ तो वन साइड मूव, बहुत बढ़िया बात है। जिसने यहाँ पे अगर ट्रेड बनाई अपनी इस तरीके से, बढ़िया पैसे बना लिया, ठीक है। अब सेकेंड टाइम मतलब क्या, खत्म हो गया स्टॉक, नॉट ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल, तो कैसे करें? अब यहाँ जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, लोज ब्रेक हो रहे हैं, पिछले में नहीं हो रहे थे, इसमें हो रहे हैं ब्रेक, ठीक है। स्टॉक ने लो हिट करा, फिर से इसको हिट करा, हिट करके और लोअर लो क्रिएट कर दिया, फिर डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन दे के अब स्टॉक जो है ऊपर निकलने के
फिर राख में था यहां से, कि उसमें एक और छोटा सा फॉल दिया और अब ऊपर आ रहा है थोड़ा सा, ये हो रहा है स्टॉक में, ठीक है, ये फॉर्मेशन है। अगर आपको मैं ध्यान से दिखाऊं तो यहाँ पे लोअर लोस क्रिएट हो रहे हैं, लोअर लोस, ठीक है, इस तरीके से, मतलब ये सेम लो टाइप्स है, इस तरीके से सेम लो क्रिएट हुआ और उसके बाद फिर एक लोअर लो क्रिएट हो गया, ऑलमोस्ट एक सेम लो, लोअर लो, सेम लो ऑलमोस्ट, और फिर एक लोअर लो, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर लो, अब ऊपर निकल रहा है। तो ये क्या हुआ, हम इसको डाउन ट्रेंडिंग कहते क्या यहाँ पर? नहीं, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। अगर यही चीज अगर बहुत स्ट्रांगली ब्रीच होती और फिर वो उस पर रिजेक्ट होके और स्ट्रांगली गिरती, स्ट्रांग गिरती, यहाँ स्ट्रांग नहीं गिर रही है, यहाँ पे पास में गिर रही है, मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, बट बाइंग तो आ रही है ना, परफेक्ट, इतना काफी है। तो ये स्ट्रक्चरिंग है, स्ट्रक्चरिंग समझ में आई। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन की, यहाँ पे आके यहाँ पे क्या दिख रहा है, काउंटर ट्रेंड लाइन, काउंटर ट्रेंड लाइन, मेनी टचेस, काउंटर ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम्स पे आयो, बस्ट है, ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ट्रेड आइडिया, बट क्या आज फ्राइडे है? नहीं, आज तो फ्राइडे नहीं है, तो फ्राइडे की क्लोजिंग होने, तो उसके बाद इस ट्रेड को मैं ऑब्जर्व करूंगा और प्लान करूंगा, बट तब तक के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो पे रखूंगा। ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज हो जाता है 1:2 एंड 1:3 का। लेट्स सी कि किस तरीके से ये ट्रेड परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड डू नॉट कॉपी एनी ट्रेड्स। टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्रेडिंग व्यू पे, तीन जगह वीडियोस जाते हैं मेरे, इंग्लिश में, हिंदी में, कहीं भी कोई भी टिप कॉल किस तरीके की चीजें नहीं प्रोवाइड करता मैं। गॉट इट गाइस, लाइक द वीडियो राइट नाउ, 100 लाइक्स का टारगेट है, नहीं करा होगा लाइक कर देना, एंड अगर आप नए हो चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, सब कुछ एनालाइज करता हूँ ऑन द डेली बेसिस, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। पीछे के वीडियोस अगर मेरे नहीं देखे हैं तो मैं पिछले 1 साल 2 साल से कॉन्स्टेंटली वीडियोस डाल रहा हूँ, देख सकते हो जाके, कंटेंट क्वालिटी मैच द एफर्ट्स, ठीक है, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, 7,200 सब्सक्राइबर का टारगेट है, एंड अगर मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, हिट दैट सब्सक्राइबर बटन राइट नाउ गाइस, वी आर एमिंग फॉर 5,200 फॉलोअर्स, कम ऑन गाइस, लेट्स गो। टेलीग्राम भले ही ना ज्वाइन करो बट यूट्यूब फैमिली बढ़ाते रहो, लेट्स गो गाइस, कल मिलते हैं नए वीडियो में, और अगर इंग्लिश में वॉच करना है आपको पता है कहाँ जाना है, ठीक है, चलो मिलते हैं।